गाइस आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। सो आज हम देखेंगे कि आप ग्रो ऐप के जरिए आईपीओ में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो सब कुछ यहाँ पे मैं आपको लाइव प्रोसेस में बताने वाला हूँ। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। एंड अभी गाइस यहाँ पे आप जैसे आ जाओगे होम स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको डैशबोर्ड वगैरह देखने को मिल जाएगा। आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको प्रोडक्ट एंड टूल्स में आईपीओ का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसी पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने जितना भी आईपीओ ओपन रहेगा प्री अप्लाई के लिए रहेगा, सो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कितना क्लोज हो गया है, सो नीचे देखने को मिलेगा, और कितना आने वाला है आईपीओ, सो पूरा यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। अभी जो आईपीओ रहता है सो उसमें आप एडवांस में भी अप्लाई कर सकते हो। और ये जब ये ओपन हो जाता है यहाँ पर देख सकते हो ये 15 तारीख से ओपन रहेगा, सो फिर यहाँ पर आपको प्री अप्लाई की जगह अप्लाई का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सो गाइस इसमें आप प्री अप्लाई भी कर सकते हो, कुछ ऐसा खास फर्क पड़ता नहीं है। एंड जो भी आपका बिड रहता है पहले से आपका मतलब लग जाता है एडवांस में। यहाँ पे गाइस आपके सामने अप्लाई करने के लिए कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाता है। ऊपर यहाँ पे आपको आईपीओ का नाम देखने को मिलेगा और अप्लाई में यहाँ पे आपको दो तीन ऑप्शन देखने को मिल जाता है कभी कभार। जैसे अभी यहाँ पे देखो ये रेगुलर है, अगर आप मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। इसमें क्या रहता है गाइस, यहाँ पे आप देखोगे 2 लाख से 5 लाख के बीच में यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, और जो रेगुलर रहता है इसमें सिर्फ आप यहाँ पे 2 लाख रुपए तक का अप्लाई कर सकते हो। सो गाइस अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो आपको रेगुलर ही सिलेक्ट करना है। और गाइस नीचे यहाँ पे आपको शेयर्स देखने को मिलेगा, इसका एक लॉट में 55 शेयर्स, अगर आपको एक आईपीओ मिल जाता है तो यहाँ पे आपको 55 शेयर्स मिल जाएगा। एंड बाकी गाइस यहाँ पे भी आपको क्वांटिटी देखने को मिलेगा एंड जो बिड प्राइस रहेगा उसे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और गाइस आप जब भी आईपीओ में अप्लाई करोगे तो आपको हमेशा जो भी 8 कट ऑफ प्राइस रहता है इसको आपको टिक रहने देना है। इससे क्या रहता है कि जो आईपीओ रहता है मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जो भी प्राइस रहता है यहाँ पर आपको इसको सिलेक्ट रहने देना है, इसमें आपको कुछ भी चेंजेस वगैरह नहीं करना है। एंड बाकी इस नीचे यहाँ पर आपको टोटल अमाउंट देखने को मिलता है। सो गाइस आप नॉर्मल में कभी भी रेगुलर में अगर आप अप्लाई करोगे एक लॉट के लिए तो आपको हमेशा 15,000 रुपये के आसपास ही अमाउंट लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। और अगर आप 2 लॉट के लिए करोगे तो यहाँ पर आपको फिर जो भी ऊपर आ रहा है ऐड बिट का इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर आप डबल बिट भी लगा सकते हो। उससे यहाँ पर आप देखोगे फिर से यहाँ पे सेम इन्फॉर्मेशन आ गया है, इसमें भी यहाँ पर आपको पूरा इन्फॉर्मेशन सेम ही देखने को मिलेगा। और अगर आपको और ऐड करना है तो यहाँ पर आप ऐड बिट पर क्लिक करके और भी आप इस तरीके से बिट को ऐड कर सकते हो। अभी यहाँ पर मैं एक ही रहने दूंगा और सबको यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। एंड गाइस उसके यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना रहता है। अभी गाइस यहाँ पे आपको UPI ID इंटर करने के लिए बोलेगा, उससे यहाँ पे फोनपे का UPI ID डाल सकते हो। फोनपे से बहुत ही इजी पेमेंट हो जाता है एंड सो यहाँ पे आपको फोनपे का UPI ID इंटर कर देना है। सो जैसे आप फोनपे का UPI ID इंटर करोगे उसके यहाँ पर आपको नीचे प्री अप्लाई फॉर IPO का ऑप्शन आ जाएगा, इसी पे आपको क्लिक करना है। सो गाइस यहाँ पे आप देखोगे जो IPO का रिक्वेस्टेड है कंप्लीट हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड जो भी IPO रिक्वेस्ट रहेगा पेमेंट के लिए आपको UPI पे मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। अभी यहाँ पे आपको डन पे क्लिक करना है। यहाँ पे गाइस आपके सामने इस तरीके से एप्लीकेशन स्टेटस आ जाएगा और आप इसी जगह से कैंसिल भी कर सकते हो अगर आपको अप्लाई वगैरह नहीं करना है। और नीचे यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स आएगा, कितना अमाउंट रहेगा, कितना शेयर्स रहेगा, और एप्लीकेशन नंबर भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जब यहाँ पे आपका जो कम्प्लीट रहेगा रिक्वेस्ट वगैरह हो जाएगा। और बाकी इस नीचे यहाँ पे आपको पूरा स्टेटस देखने को मिलेगा कि यहाँ पे अपने IPO के लिए अप्लाई कर दिया है, और अभी यहाँ पे जो UPI रिक्वेस्ट है बाकी पेमेंट करना बाकी है। उसके बाद यहाँ पे आपका जैसे ही रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाएगा उससे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एप्लीकेशन प्लेस सक्सेसफुली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और जैसे आपको IPO अलॉटमेंट कम्प्लीट हो जाएगा, अलॉटमेंट मिल जाएगा, IPO मिल जाएगा, तो फिर यहाँ पे आपको अलॉटमेंट स्टेटस भी देखने को मिल जाएगा। और बाकी जैसे पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट आ जाता है सो आपको फोन पे एक मैसेज भी आ जाता है। और बाकी आप जैसे फोन पे ऐप को ओपन करोगे सो वहाँ पे भी आपको UPI की जो रिक्वेस्ट रहती है देखने को मिल जाती है। सो नॉर्मल यहाँ पे आपका जो भी UPI पिन रहता है उसको डाल के पेमेंट कर देना है और फिर यहाँ पे आपको पूरा स्टेटस वगैरह देखने को मिल जाएगा। सो गाइस आप इसी तरीके से ग्रो ऐप के जरिए IPO में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है। एंड बाकी गाइस इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट आता है, प्रॉब्लम आता है, तो मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। एंड गाइस वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।